हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल दिशिका ब्यूटी हब में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि आप मैन की आईब्रो थ्रेडिंग करके दिखाइए, तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मैंस आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। तो आप देख सकते हैं कि ग्रोथ कितना ज़्यादा है, जॉइंट है बिल्कुल पूरी तरीके से, और दूर दूर तक कहीं शेप नज़र नहीं आ रहा है। अब इसी में ही मुझे इनके आईब्रो का शेप देना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जो इनका फ्रंट का लाइन है, यानी जो बीच का जॉइंट है इनके आईब्रो का, सबसे पहले मैं वो हटा देती हूँ। इससे क्या होगा कि एक मोटा मोटा आइडिया आ जाता है कि हमें कितना गैप रखना है, और या जिनके इस तरह का आईब्रो है तो वो भी इससे आइडिया ले सकते हैं कि आपको किस तरह का गैप रखवाना है। बहुत ज़्यादा पहले गैप नहीं रखेंगे, पहले मोटा मोटा आइडिया ही केवल लेते हैं। अब बीच का पहले आईब्रो हटाने से ये हो जाता है कि हमको थ्रेड करना आसान हो जाता है, एक हमको आइडिया आ जाता है कि हमको किस जगह से स्टार्ट लेना है। देन ये है मेन आईब्रो। ओके, तो बहुत ज़्यादा शार्प एंड फाइन तो नहीं करना है, लेकिन हाँ आपको एक अच्छा सा शेप देना है। तो सबसे पहले मैंने इनका नीचे का जो हिस्सा है आईब्रो का, वहाँ से बाल को निकालना शुरू करा। बहुत ज़्यादा पहले बाल नहीं निकालने हैं, बहुत हल्के हल्के से बाल निकालने हैं आपको। सबसे पहले आपको एक अपना आइडिया सेट कर लेना है। एकदम से ज़्यादा बाल निकाल देंगे तो बाद में कुछ करने के लिए आईब्रो में रह नहीं जाता है। ओके, तो आप जब भी स्टार्ट करें आईब्रो करना किसी का भी, तो सबसे पहले जो आईब्रो है उसके एक्स्ट्रा ही निकालिए, उसके बाद आप पूरे बाल निकालिए जो यहाँ जाके आपको ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, देन आप इनका जो बालों का लेंथ भी देख रहे हैं और कितने घने हैं ये भी देख रहे हैं। ओके, तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक मोटा मोटा सा शेप देना है। अब पहले मैंने नीचे से शेप दिया है, देन मैं ऊपर से शेप दे दूँगी उनको एक, लेकिन आईब्रो से बहुत ज़्यादा दूर से ही हट के देना है, एकदम घुस के अंदर तक का शेप नहीं देना है। ओके, उसके बाद मैं इनकी जितने भी एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ आपको दिख रही है वो सारी हल्की कर दे रही हूँ। अभी इतनी हैवी आईब्रो है कि बहुत भारीपन लग रहा है, कहीं से कोई शेप नहीं लग रहा है, कुछ भी इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप अपनी कल्पनाओं की शक्ति को थोड़ा जागृत करके ही किसी का आईब्रो करें, ताकि जब भी बने आईब्रो तो उसमें लोग तारीफ़ करें आपकी कि क्या थ्रेडिंग बनाई। ओके, तो आप देख लीजिए कि कितने ज़्यादा बाल हैं, मैंने कंघी से बाल, अब आप देख लीजिए कितने ज़्यादा बाल हैं। ओके, तो ये कंघी से पहले मैंने बाल इनके ऊपर की ओर लिए हैं, जैसे लोग कटिंग करते हैं हेयर्स की वैसे ही, और आप देख लीजिए कितने सारे बाल निकले हैं। इसी तरह से मैं सारे बाल हल्के कर लूँगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि कंघी से बाल हल्के तो करना है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि बाल की जो कटिंग हो वो एकदम शेप में हो। ओके, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि जो बाल की कटिंग हो एकदम शेप में हो। और फिर आप ये भी ध्यान रखिए जितने एक्स्ट्रा बाल निकालते जा रहे हैं उसको हटाते भी जाइए, एकदम वहाँ पे इकट्ठे ना होने दीजिए। और फ्रंट एरिया में, साइड एरिया में, आप कहते हैं जैसे 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, हर डिग्री पे चेक करके देखते रहिए। ओके, और अब आपको देना है इनको फाइनल शेप। जब फाइनल शेप देंगे तो बहुत ध्यान से देना है। अभी तक मैंने केवल इनका जो एक्स्ट्रा था वही हटाया, बहुत ज़्यादा पतली आईब्रो नहीं करूँगी क्योंकि किसी गर्ल की थ्रेडिंग नहीं बन रही है, ये बॉयज़ थ्रेडिंग है। और जो जिनकी थ्रेडिंग इस तरह की है वो काफ़ी रिलेट कर सकते हैं और काफ़ी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि एक शेप के कई लोग होते हैं, तो अगर जिनका भी शेप इस तरीके का हो तो वो आइडिया बिल्कुल अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि उनका जो थ्रेड है यानी जो आईब्रो है वो बनने के बाद किस शेप में आएगा तो उनके ऊपर अच्छा लगेगा। तो काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे, या आपके पास ऐसे क्लाइंट है तो आप उस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं कि मुझे किस टाइप का शेप देना है इसमें। ओके, तो इस बात को एकदम ध्यान में रखते हुए वीडियो को देखिए। वीडियो मैंने बहुत फटाफट वाला नहीं चलाया है, पूरा टाइम लिया है, क्योंकि कभी भी मैं जब ट्यूटोरियल सिखाती हूँ तो मैं वीडियो का स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं रखती हूँ, क्योंकि तेज़ रखने से स्पीड में आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से कितने
किस आसानी से धागा चलाना है ना, वो जल्दी जल्दी जलता हुआ दिखता है। तो मैं स्पीड बिल्कुल तेज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए ट्यूटोरियल थोड़े लंबे होते हैं। आपको बोर लगे, अगर आपको लगता तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको, अगर आप सीख रहे हैं वाकई में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब दूसरा आप थ्रेड देख लीजिए इनका आईब्रो, तो दूसरे आईब्रो में क्या है, अब आप देखिए किस तरह का शेप है, और इसमें एक गैप आपको नज़र आ रहा होगा जो कि ये गैप है। ओके, तो ये गैप इनका पहले से ही है, ठीक है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि इस गैप को पूरा करते हुए चलना है। ये गैप बहुत ज़्यादा, ये गैप इनका ज़्यादा देखिए ना, इस चीज़ को पूरा हमें कवर करते हुए चलना है। और तरीका वही है, आप हमेशा जब भी किसी के थ्रेड करते हैं तो आप ध्यान रखें कि जो नीचे का हिस्सा है उसी से ही आप अपना थ्रेड चलाना स्टार्ट करिए। और जो फ्रंट का जो 90 डिग्री का एरिया है, जो नोज़ के पास का एरिया होता है, वहाँ पहले थ्रेड ना चलाइए, क्योंकि अगर वहाँ थ्रेड चला देंगे तो एक बहुत ज़्यादा अनइवन सा आपका जो आईब्रो है वो अनइवन हो जाता है, पहले से ही अनइवन हो जाता है। आपने बहुत देखा होगा कि बहुत से लोगों की जो आईब्रो है वो ऊंची नीची होती है, वो सिर्फ इसलिए होती है कि बहुत से सलून में क्या करते हैं कि वो जो परफेक्ट नहीं होते हैं तो वो लोग 90 डिग्री से बनाना शुरू कर देते हैं। तो 90 डिग्री से हमको कभी भी धागा नहीं रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो केवल जो एक्स्ट्रा है वो ही निकालने चाहिए, एकदम घुस के शेप में से बाल नहीं निकालने चाहिए। और सबसे पहला तरीका है, आपको मैंने हमेशा बताया अपने ट्यूटोरियल्स में, पहले आप केवल एक्स्ट्रा ही निकालिए, घुस के एकदम बाल ना निकालिए धागे से, कि एक ही बार में आपको किला फतह करना ना। अगर आप शेप इसी को देना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब आपके क्लाइंट का शेप अच्छा आता है और जब आपकी तारीफ़ करते हैं ना, तो उससे जो आपको प्रोत्साहन मिलता है वो देखने के ही लायक होता है। और आईब्रो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके क्लाइंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, बन जाते हैं, क्योंकि अच्छी आईब्रो बनवाने के सभी बहुत अच्छे शौकीन होते हैं। और अगर आप अच्छा आईब्रो करते हैं तो आपके पार्लर में हमेशा भीड़ लगी रहेगी। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका जो एक्स्ट्रा बाल है, मैंने जैसे उस साइड से निकाला था, उसी तरीके से मैं इस साइड में भी ये सारे बाल इनके निकाल दूंगी, सारे कंघे में ले लेकर मैं सारे बाल निकाल दूंगी। और निकालने के बाद इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको कि बहुत गहराई से बाल ना निकलें, बहुत हल्के हल्के साइड से आप पहले बाल निकालिए। और जब आप इस सारे बाल निकाल लेंगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सबके ऐसे बाल नहीं होते हैं आईब्रो के, ओके, ये नहीं कि किसी के नहीं तब भी आपको कंघा चला के निकालना है, जिनके बाल होंगे बस उनका ही कंघा चला के निकालना है। और अब आप देखिए मैं खड़ी खड़ी सी कैची चला रही हूँ ताकि जो फ्रंट का शेप है वो एकदम बराबर से आए, क्योंकि जब थ्रेड से करते हैं तो उतना इवन नहीं आता, हमको सीजर से उसको इवन करना ही पड़ता है। ओके, तो आप देख लीजिए ये मैंने पूरा इवन कर लिया है, और जब इस थ्रेडिंग बनकर पूरी हो जाएगी तो आप इसका आफ्टर लुक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आफ्टर लुक बहुत ही अच्छा आया हुआ है। तो करना क्या है, केवल पहले एक्स्ट्रा ही हटाने हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे आते हैं आईब्रो ट्यूटोरियल देने के, बहुत से और भी रिक्वेस्ट आते हैं, लेकिन इस समय आप सबको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कई शहरों में आज से खुल भी गया है, लेकिन हमारे शहर में अभी लॉकडाउन नहीं खुला है। और इसके चलते मेरा पार्लर जो है वो मैंने अभी क्लोज करके रखा है, और अभी मैं कोई क्लाइंट डील नहीं कर रही हूँ, इसलिए आपको ट्यूटोरियल के जितने भी वीडियो हैं वो थोड़ा सा लेट में मिलेंगे ज़रूर। और तब तक मैं अपने DIY आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं कैसे अपना खुद का वो रखती हूँ स्किन का केयर वो मैं शेयर कर रही हूँ, काफ़ी थोड़ी सी हट की चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ, तो इससे डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि जो लोग ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं वो सिर्फ ट्यूटोरियल ही देखना चाहते हैं, लेकिन काम तो बंद नहीं कर सकते ना, काम तो मुझे करते ही रहना है, तो इस वजह से। और कुछ कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे ना करने के बाद भी देखने पड़ते, तो उनका मैं भले ही बना दूँ, लेकिन मैं जो रेगुलर पार्लर वो इस समय नहीं खोला। तो अगर ट्यूटोरियल अभी नहीं आ रहा तो उसके लिए प्लीज़ परेशान मत होइएगा, ये मत सोचिएगा कि ट्यूटोरियल वाले वीडियोज़ नहीं आ रहे, वो ज़रूर आएंगे और पक्का आएंगे। ओके,
तो देखिए धीरे धीरे करके करते ये पूरा आईब्रो बन चुका है। और जिनका भी आईब्रो इस तरह का है वो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरा उनका भी आईब्रो ऐसा है, और वो काफ़ी हद तक इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं कि आपको किस तरह का शेप रखवाना है। और जेंट्स का जो आईब्रो होता है बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं कर जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करना चाहिए जेंट्स का आईब्रो। अब आप देखिए मैंने इनके जो एक्स्ट्रा हेयर हैं, जो बेबी हेयर्स हैं फोरहेड के, या इनके चिक के, देखिए जो गालों पे जो छोटे छोटे से आ जाते हैं ना, वो भी मैंने धागे से रिमूव कर दिए, क्योंकि वो शेप में बाल नहीं आते, क्योंकि कोई बहुत ऊपर से अपना रेजर नहीं चलाता है शेविंग करने के लिए। तो वो भी मैंने फटाफट फटाफट करके याले भी इनके बाल सारे निकाल दिए हैं। और क्योंकि जब एक क्लीन पूरा हो जाता ना, तभी देखने में वो अच्छा लगता है आईब्रो आपका, दूर से ही चमकता है जब पूरा क्लीन हो जाता है, और तभी उसका ये मज़ा है आईब्रो बनने का। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको चाहिए अभी कि थोड़ा सा जो चौड़ा सा शेप है वो ना रहे, तो अभी थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा जो बच गए थे फिर मैं वो कट कर दे रही हूँ, देन थोड़ा सा मैं हल्का सा गुलाई दे दूँगी, ठीक है, हल्की सी आईब्रो में आगे साइड से गुलाई करके कैची चलाऊँगी। तो जिनको एकदम स्ट्रेट पसंद है आगे से बाल, तो वो स्ट्रेट रख के छोड़ सकते हैं, लेकिन जिनको थोड़ा सा गुलाई चाहिए तो जो सीज़र है वो थोड़ा से जो बाल हैं वो ना गुलाई करके काट के दीजिए आप, ओके। और आईब्रो होने के बाद मसाज ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि थ्रेड जब चलता है तो दर्द तो होता ही है, आफ्टर में भी बहुत ज़्यादा जलन वलन होती है जेंट्स के, लेडीज़ तो हैबिचुअल हो जाती हैं, तो मसाज ज़रूर कर दे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, अगर मेरा वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा चैनल को मेरे। बाय।